मधुबनी में पड़ोसी देश नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त। गुप्त सूचना पर सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में एक पिकअप वैन पर 2850 बोतल शराब के साथ दो तस्कर को दबोचा। नेपाल से तस्करी कर दरभंगा ले जाया जा रहा था शराब की बड़ी खेप। मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए कमला शराब के साथ दो शराब तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये जानकारी आज डीएसपी विप्लव कुमार ने जयनगर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव एवं शराबबंदी कानून के तहत गुप्त सूचना के आधार पर लदनिया से जयनगर ला रहे पिकअप गाड़ी पर लदे 300 ml के 2850 बोतल नेपाली सोफी शराब को दो शराब तस्कर के साथ जब्त कर लिया गया है। धाराएं दोनों तस्कर दरभंगा जिले के निवासी हैं। गोलू कुमार मोहतो अमित लाल को गिरफ्तार कर इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इस छापेमारी में थाना प्रभारी अनूप कुमार, पैंथर मोबाइल के महमूद आलम, राहुल कुमार, अशोक कुमार, रितेश कुमार सहित कई अधिकारी शामिल थे। इसी के साथ जयनगर से संवाददाता संतू नायक की रिपोर्ट। 1/4/2024 को गुप्त सूचना मिली कि शराब की एक बड़ी खेप जो है अभी चुनाव के समय में जो है लदनिया की ओर से आ रहा है खपाने के लिए। उक्त सूचना के सत्यापन के आलोक में एक टीम गठित किया गया जिसमें एसएचओ जयनगर को और देवधा एसएचओ और अन्य पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया और कार्रवाई करते हुए BR0748 की गाड़ी जो है पिकअप गाड़ी उसमें लदा हुआ शराब जो है बरामद किया गया और साथ ही साथ दो शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। ये कारोबारी हैं गोलू कुमार महतो, केसर विजय महतो, इधर दरभंगा बहादुरपुर के रहने वाले हैं, एक है अमित लाल, पेसर मिथिलेश लाल, सोनकी थाना सदर जिला दरभंगा के रहने वाला है। बरामद सामग्री में एक पिकअप गाड़ी है और गौरव सोफी शराब जो कि 2550 बोतल 765 लीटर शराब रिकवरी किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास और अन्य लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, देखते हैं क्या मिलता है। चूँकि अभी आचार संहिता चुनाव का लगा हुआ है, इसमें जो भी सूचना वगैरह मिल रहा है शराब से NDPSP उसमें लगातार जो है अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसी के तहत ये बड़ी कामयाबी मिली।